जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन हो। तो अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी हो गए तो उद्गल हो गए। जीव का तो स्वभाव है ज्ञान, अलग नहीं हो सकता। अपन अज्ञानी है क्या? बोलो मैं अज्ञानी हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, तो आप फिर पुद्गल हैं, अजीव हैं, आप जीव कहां हैं? जीव में ज्ञान तो होता ही है, जन्मजात होता है, अनादि से हमेशा रहेगा। अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी यानी बिना ज्ञान का। मैं राग देश क्यों करता हूं? तुम बताओ, तुम लोग करते, तुम ऐसे बैठे जैसे वीतरागी हो, तुम राग देश करते ही नहीं हो, क्यों करते हो? मोह। अरे राग देश मोह क्यों करता हूं? मोह भी ठीक है, क्यों करता हूं? अरे मोह कोई तो लगाव कहते ना, पर्यायवाची शब्द क्यों बता रहे हैं? लॉजिक बताइए, क्यों समझता हूं? तो सिद्ध भगवान जीते हैं कि नहीं, तो वो मोह करते हैं, तो जीने के कारण मोह करता हूं क्या? तुम एक जीव हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान दर्शन भी है, और तुम राग देश मोह करते हो, इसमें तो तुमसे मतलब मैं भी है, नहीं तो तुम समझे अपने आप को होशियार समझ रहे क्या, है ना? अब प्रश्न ये है कि राग देश मोह बोलो या कर्म बोलो या आसक्ति बोलो, ये मैं क्यों करता हूं? बोलो क्यों होता हूं इंद्रियों के बस? लॉजिक बता। क्यों पड़ी है आदत? कहीं तो शुरू हुई होगी, क्यों डाल रखी मैंने ऐसी आदत? मेरा क्यों तो चलता रहेगा, आप बोलते रहो जब तक आप मूल ठिकाने पे नहीं पहुंच जाओ। भले कपूर चंद जी ने सबको ठिकाने पे लगा दिया हो, लेकिन मेरा ठिकाना तो कुछ और है। बोलो क्यों करता हूं? क्यों क्यों सोचता हूं पर वस्तु को अपनी? इतनी अकल नहीं है मुझे। बोल तो रहे कि पर वस्तु, फिर भी अपनी क्यों मान रहा है? जब मालूम है कि अपनी नहीं है फिर क्यों मान रहा है? अरे लोभ भी करते हो माया, लॉजिक तो होगा। आप क्यों कर रहे हैं पर वस्तु से प्रेम, बताइए मुझे? आप अपने आप से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? आपको ये घड़ी अच्छी क्यों लग रही है? लग तो सबको रही, लेकिन क्यों? भोग अच्छे क्यों लगते हैं? कारण बताइए इसका। मैं मोह क्यों करता हूं? मैं आसक्ति क्यों करता हूं? मैं क्रोध क्यों करता हूं? मैं राग क्यों करता हूं? मैं द्वेष क्यों करता हूं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या बोलो? क्यों कर रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम करते हुए भी नहीं जान रहे कि क्यों कर रहे हैं। रत्नत्रय से क्या होता है? रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है तुमको? क्या होते हैं रत्नत्रय बोलना? तो है तो ज्ञान, और कैसा ज्ञान चाहिए? इसको ही तो रत्नत्रय बोलते हैं। रत्नत्रय भी बोल रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भी बोल। अब बोले हम जान तो, और क्या जानोगे? जान तो गए, यही तो रत्नत्रय। फिर मैं सिद्धों से बात नहीं कर रहा हूं, संसारियों से कर रहा हूं। ये बोलने की क्या जरूरत? सिद्धों से थोड़ी, सिद्धों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, संसारियों को तो पढ़ा रहा हूं। उत्तर नहीं आते, तुम लोग ऐसे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके बैठे हो।
आप मोह करते हैं या नहीं पहले ये बता दो, करते हैं ना, राग करते हैं कि नहीं करते, द्वेष करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, क्रोध मान माया लोभ भी आपके अंदर है कि नहीं है, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, क्यों लगती है, है? नहीं, काबू तो अलग चीज है, लगेगी तब तो काबू करोगे ना, प्रश्न तो लग क्यों रही है, काबू तो तब होगा जब कोई चीज होगी, तो काबू की बात तो बात की पुरुषार्थ की बात हो गई, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप मोह क्यों करते हो, पर वस्तु को अपना क्यों मानते हो, मनुष्य का स्वभाव है, फिर तो गड़बड़ हो, फिर कभी मोक्ष ही नहीं होगा, स्वभाव बन जाएगा तो फिर मोक्ष की यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा पहले एक बात समझ लो, स्वभाव और विभाव क्या होता है इसको समझो पहले,